तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां नीतीश कुमार ने विश्वास मत पेश कर दिया है। कल शपथ ली थी और उसके बाद सभी की निगाहें इस चीज पर थी कि विधायकों का मैनेजमेंट बीजेपी और एनडीए कैसे, माफ कीजिएगा, जेडीयू कैसे करती है। और इसके बाद अब नीतीश कुमार ने विश्वास मत पेश कर दिया है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विश्वास मत नीतीश कुमार पेश कर चुके हैं। इधर आरजेडी की बात करें तो लगातार विधानसभा के बाहर आरजेडी का हंगामा जारी था। आरजेडी का तर्क यह था कि पहले न्योता आरजेडी को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, इसमें से 80 सीटें जो थी वो विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, महागठबंधन की भी सबसे बड़ी पार्टी थी। और नेताओं का यह कहना था आरजेडी के कि पहले प्रस्ताव उन्हें दिया जाना चाहिए था सरकार बनाने का, विश्वास मत हासिल करने का। हालांकि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर चुके हैं कल और आज विधानसभा के विशेष सत्र में वे विश्वास मत पेश कर रहे हैं।